अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है। जी पूछिए पूछिए। आप बताएं कि मैं या फिर हमारे पाकिस्तानी क्यों दुबई में बिजनेस स्टार्ट करें प्रॉपर्टी का? हाँ, प्रॉपर्टी का बेसिकली दुबई में पोटेंशियल प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है आने वाले दिनों में, और जो स्पेशली लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट की वैल्यू बहुत अच्छी जा रही है जी, और उसमें प्रॉफिट रेशो भी बहुत अच्छी है। ज़रूरी बात है। जैसे कि स्पेशली वो लोग जो आके यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो बिल्कुल नए हैं, उनको मार्केट का पता नहीं है। और हमारे पास हमारी स्पेशलिटी, हमारे प्रोडक्ट की स्पेशलिटी सिर्फ यही है कि हमारे पास क्वालिफाइड टीम्स है बेसिकली। वो टीम की बेस के ऊपर हम क्लाइंट को बताते हैं कि हाँ हमारे पास ये प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो स्पेशली बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हैं और वो कहते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है जी। और हमेशा इन्वेस्टर को फोकस होता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट से कुछ अच्छा अर्न करें, तो इसलिए हम यहाँ मार्केट में बैठे हैं और लोगों को एडवाइस भी कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा होता है यहाँ पे कि कोई प्रॉपर्टी है जो मैंने सेल करनी है या फिर मैंने बाय करनी या फिर रेंट करनी है, उसका हाई डिमांड है मार्केट में या नहीं? हाई डिमांड है मार्केट में, क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं। स्पेशली अभी एक जो प्रॉपर्टी लेवल चल रहा है वो है हाई क्वालिटी के। ठीक है। क्योंकि मोस्टली लोग अभी जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं वो एक तो प्रीमियम क्वालिटी है उनकी, तो हाई क्वालिटी है, और दूसरा बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी जो गवर्नमेंट जो लॉन्च कर रही है, मतलब नए डिज़ाइन, नए न्यू लुक है, और उस हिसाब से लोग प्रॉपर्टी को बेस जो क्वालिटी की बेस है उसके ऊपर लोग पसंद कर रहे हैं उनको। तो जो हमारे फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में। इमार वाले बहुत अच्छे प्रोजेक्ट दे रहे हैं, शोभा वाले बहुत अच्छे प्रोजेक्ट दे रहे हैं जो हाई डिमांड है बेसिकली। और अभी मोस्टली जो ऑफ प्लान चल रहे हैं प्रॉपर्टीज वो बहुत अच्छा, मतलब इस टाइम फिलहाल इस टाइम तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये बहुत अच्छा है, तो लोग उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, कुछ प्रोजेक्ट अभी फ्यूचर में लॉन्च होने हैं, और वो सब प्रोजेक्ट मोस्टली डाउनटाउन के नज़दीक हैं, बिजनेस वे के नज़दीक हैं। अभी जो नए लॉन्च हो रहे हैं, जो ज़्यादा ज़्यादा अच्छे और बड़े लॉन्च हो रहे हैं और क्वालिटी के प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, वो सारा क्रीक हार्बर पर लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिसपे हम इन्वेस्टर को गाइड कर सकते हैं कि हाँ आप यहाँ पे लगाओगे तो आपको ऑफ प्लान चाहिए ऑफ प्लान मिलेगा, रेडी प्रॉपर्टी चाहिए रेडी प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे कि मरीना शोर्स, हैमिल्टन, ये सारे लॉन्च हो रहे हैं, राइट? जी, जी, जी। अच्छा, जैसे कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या फिर आपके लिए हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जब वो हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे मूव भी हो जाएं, तो आपको लगता है दिस इज़ अ गुड ऑप्शन? एक्चुअली जो स्पेशली हमारे एशिया के, बल्कि अब तो पूरी दुनिया ये चाह रही है कि दुबई में मूव हो। सबसे मेन जो यहाँ है वो है सिक्योरिटी। एग्जैक्टली, सिक्योरिटी पर्पज के लिहाज से यहाँ हर बंदा चाहता है कि वो सिक्योर हो, उसकी प्रॉपर्टी सिक्योर हो, उसकी फैमिली सिक्योर हो, वो खुद सिक्योर हो, तो इसलिए लोग सिक्योरिटी के पर्पज से यहाँ मूव होते हैं ज़्यादा। और दूसरा यह है कि दुबई में इस टाइम अ लॉट ऑफ अट्रैक्शंस हैं, स्पेशली फैमिलीज़ के लिए एक्टिविटीज़ हैं, ख़ुद अपने लिए एक्टिविटीज़ हैं, फिर मतलब हर लिहाज से आप एक अच्छी लाइफ, अगर आपके पास अच्छा पैसा है आप एक अच्छी लाइफ दुबई में गुजार सकते हो। ठीक है। तो इसलिए लोग ज़्यादा चाहते हैं कि हमारा बिजनेस भी हो, इनके पास पैसा है वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं और वो अपनी लाइफ भी यहाँ गुजारना चाह रहे हैं, और इस लिहाज से तो बहुत अच्छी प्लेस है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि दुबई में रहना स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिजनेसमैन हैं, तो अगर उनके बिजनेस पूरी दुनिया में हैं तो एक तो वो यहाँ से मॉनिटरिंग इजीली कर सकते हैं और अपना बिजनेस के साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, अपना बिजनेस भी चला सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी अपने प्रोजेक्ट देख सकते हैं। अगर ऑल ऑफ द वर्ल्ड हैं तो दुबई इजी एक्सेस है हर जगह से इन आउट करने के लिए। ठीक है। तो इसलिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके ऑल ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं और वो स्टे यहाँ कर रहे हैं। Exactly. क्योंकि उनको पता है कि आपको अगर रात को बैग उठा कर निकलना है आप रात को निकल लोगे, आपको डे में निकलना है डे में निकल लोगे, तो इजी एक्सेस है यहाँ से हर साइड पे निकलना, और स्पेशली इजी कंट्रोल करना, अपने बिजनेस को कंट्रोल करना। तो इसलिए लोग जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पैसा है वो खुद बैठे हुए हैं यहाँ पे मेन हेड ऑफिस बना के, और वैसे भी एक्सपो के बाद जितने भी मीन्स बड़ी कंपनीज हैं स्पेशली उन्होंने पहले फ्रेंचाइज बनाई थी, वो हेड ऑफिस बना के बैठे हैं दुबई में, तो इस लिहाज से स्पेशली जो यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा बहुत अच्छी जगह।